सब्सक्राइब कर देना और साथ बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके, और वीडियो को लाइक भी कर देना और कमेंट भी कर देना। जी अस्सलाम वालेकुम, काफ़ी दोस्त एग्ज़ाम के बारे में पूछ रहे हैं कि एग्ज़ाम कब होंगे और कैसे होंगे और हमें किस तरह पेपर देना है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एग्ज़ाम की जो टेंटेटिव डेट आई है वो है 26 अक्टूबर। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में फ़ेज़ टू के जो एग्ज़ाम है उनके ज़्यादा चांस हैं कि वो 26 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएंगे। तो अभी हम बात करते हैं कि हमने एग्ज़ाम किस तरह देने हैं, और एग्ज़ाम ऑनलाइन नहीं होंगे और एग्ज़ाम सेंटर में जाके होंगे। तो अब हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम कैसे देते हैं, किस तरह एग्ज़ाम दें कि हमारे मार्क्स अच्छे आएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। फ़र्स्ट जो तरीका है एग्ज़ाम में मार्क्स हासिल करने का वो ये है कि जो हमारी बुक्स में असाइनमेंट के पर्त होते हैं, असाइनमेंट के पर्त के ऊपर क्वेश्चन लिखे होते हैं, असाइनमेंट क्वेश्चन, उन असाइनमेंट क्वेश्चन के आंसर हम अच्छी तरह तैयार कर लें तो हमारे पासिंग मार्क उससे हासिल हो जाते हैं। अगर आप सिर्फ पास होना चाहते हैं तो आप असाइनमेंट को क्वेश्चन और आंसर अच्छी तरह याद कर लें। और दूसरा तरीका ये है कि आप असाइनमेंट के मार्क्स भी रेडी कर लें और गैस पेपर और पास्ट पेपर ये दोनों बिल्कुल बड़ी अच्छी तरह याद कर लें। ये याद करने के बाद इंशाल्लाह अल्लाह के करम से आपके मार्क्स बहुत ही अच्छे आएंगे और आप फर्स्ट डिवीज़न मार्क्स हासिल कर सकते हैं। और जो तीसरा तरीका है वो बहुत ही बढ़िया तरीका है जो कि काफ़ी स्टूडेंट इस्तेमाल करते हैं, नॉन स्टॉप राइट। इसका मतलब यह है कि आपने पेपर को खाली नहीं छोड़ना, जितने भी शीट हैं सब शीट पे आपने लिख के आना है। अगर आपको आता है तो लिखना है, नहीं आता तो भी लिखना है, कुछ भी उसके रिलेटेड लिखते रहना है, लेकिन खाली सवाल कोई छोड़ना नहीं, कोई सवाल छोड़ना नहीं, 2 नंबर का है 5 नंबर का है, आपने बस लिखना है उस सवाल के रिलेटेड जो कुछ भी आपको आता हो आपने लिखना है, तो इंशाल्लाह आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। शुक्रिया।